अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाम भी होता हूँ आपको बजी शहर पर। दोस्तों आज मैं ये वाली केस की जो है देखते हैं मछली, आज इसमें बच्चे हैं नहीं और कितने बच्चे हैं इसमें, तो उसकी मछली। तो दोस्तों पहले हमने इसके बच्चे देखे थे जब दो बच्चे थे, तो अभी हम इसके बच्चे देखते हैं कितने हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह दोस्तों अभी इसके मुझे तीन बच्चे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अभी शायद तीन बच्चे मुझे इसके नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा सही से देखते हैं कितने बच्चे हैं। दोस्तों चार बच्चे हैं, तीन नहीं दोस्तों चार बच्चे भी इसके निकल चुके हैं, और अभी इसके अंडे हैं पता नहीं एक या दो है। दोस्तों पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं शेड को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो शेड को पहले ऊपर कर लें, और मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा बाहर आया है वो दो गिरे बच्चे दोस्तों आप देख रहे होंगे, वो बैठे हैं सामने। दोनों दोस्तों गिरे बच्चे बाहर आए, और मैं आपको दिखा दूँ ये वाला बच्चा है, उसको भी ढूंढना आ गया है। ये पूरा अपने मेल पे गया है, एक दफ़ा उसका मेल देखें और इसको देखें। और दोस्तों वो देखें सारे बच्चे भी वहीं बैठे हुए हैं। तो आज मैं दोस्तों सारे बच्चों को सेल कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब ये बड़े बड़े हो गए हैं और सबको नादा है, लेकिन सब अभी नीचे ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज ज़रा ना इसकी मटकी भी चेक कर लेते हैं, ये जो मटकी है, क्योंकि क्या पता उसने शायद दोस्तों अंडे दे दिए हो। तो करते हैं दोस्तों इसकी मटकी चेक। दोस्तों चेक करते हैं इसकी मटकी और देखते हैं इसमें कितने बच्चे हैं। बच्चे तो नहीं दोस्तों, अंडे होंगे। तो दोस्तों अभी इसकी मटकी चेक करते हैं, और मुझे अभी तो दोस्तों अभी इसकी फीमेल अंदर है, मुझे लगा दोस्तों उसने अंडे दे दिए हैं। सुबह से दोस्तों मटकी नहीं है, और दोस्तों देखते हैं माशाल्लाह दोस्तों इसने भी दोस्तों अंडा दे दिया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस फीमेल ने अंडा दे दिया और इसकी फर्स्ट ब्रीड है दोस्तों ये। और दोस्तों ये बच्चे हैं जो आज हमें सेल करने हैं, ये जो सारे नीचे बैठे हुए हैं ये सेल करने, और उनसे कुछ नहीं करने जिनको अभी उड़ना नहीं आता, जिनको उड़ना आता है उनको करने हैं। और दोस्तों ये वाली फीमेल और मेल है, इसने अभी अंडा दे दिया फीमेल ने, और अभी हमें जो कुछ बच्चे हैं वो सेल करने हैं। तो एक ये पकड़ना था हमें, तो इसको तो हम जो है ये छोटे केज में डाल दें। इससे पहले हम दोस्तों डंडियाँ निकाल लेते हैं, फिर इसको केज में डाल देंगे। अंदर छोड़ देते हैं अब, और दूसरे बच्चों को भी पकड़ते हैं। तो ये भी नया नया केज में आया है, तो अभी देख रहा है, तो ये हमने तो छोड़ दिया, और अभी हम दूसरे बच्चों को भी पकड़ते हैं। तो दोस्तों सारे कोने में घुसे हुए हैं। दोस्तों हमने दो क्रिमिनल पकड़ लिए हैं, ये बड़ा वाला है और वो छोटा वाला है, इसको ना तो आता है तो। और अब हम और पकड़ते हैं, तो ज़रा इसको भी पकड़ लेते हैं, ये छोटा सा एक बैठा हुआ है, ये बड़े वाले को डाल दें। दोस्तों उसको भी उड़ना आता है, उसको भी हम छोड़ देते हैं अंदर। मैं भी अंदर आ गया हूँ, और खामोशी से इसको दोस्तों पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये आ गया, इसको भी दोस्तों हमने पकड़ लिया, और जल्दी जल्दी से पकड़ना है। इसको पकड़ना है वाइट वाले को, और वो जो येलो वाला बैठा हुआ है ऊपर, इसे भी पकड़ना है। तो मुझे लग रहा है वो हमें अंदर जाके ही पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंदर आ जाऊँ और अंदर आके आराम से पकड़ लेता हूँ। तो पहले मैं इसको बाहर निकाल लूँ और अंदर आ जाता हूँ। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ, और मुझे तीन बच्चे पकड़ने जो सामने ही बैठे हुए हैं। तो अभी तो इन छोटे बच्चों को वहाँ कर देते हैं, और ये गिरे वाला ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, क्यों डर रहा है। तो पहले हम इसको ही पकड़ेंगे, ताकि और किसी को तंग ना करे। निकले जा रहा है, वो वहाँ बैठ गया।
पहले हम इनको पकड़ लेते हैं, पहले तो उनको तो हम ऊपर छोड़ दें, कोने में चला गया। इस वाइट वाले को हमें पकड़ते हैं, बच्चे इसलिए सेल कर रहा हूँ ताकि जो हमारे पास केज हैं दोस्तों वो अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी हमारे पास केज खाली नहीं है, सब में बजीज हैं, तो इसलिए मैं भी सारे बच्चे सेल कर रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।